और ये माता रानी, इन्होंने बना रखा है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज चुके हैं 5, मैं हो चुका नहा धोकर रेडी, बिकॉज आज हमें जाना है बात नोतने, तो इसलिए जल्दी निकलेंगे क्योंकि शाम तक आने की कोशिश है। तो अब चलते हैं। भैया आ चुके हैं हम बात नोतने के लिए। छठी क्रॉ एंट्री शुरू हो चुकी है अपनी। भाई हम जा रहे हैं वैष्णो देवी घूमने, छठी क्रॉ वृंदावन को दिख भी रहा है धीरे धीरे, पूरी पलटन जा रही है हमारी घूमने। भाई हम आ गए हैं माँ वैष्णो देवी धाम, वहाँ पे छठी क्रॉ वृंदावन के पास में मथुरा वृंदावन, जिस तरीके का गेट यहाँ पे, जूते चप्पल रखने का देखो कुछ इस तरीके का। सामने माता वैष्णो देवी चमक भी रही है। चलो भाई हमारी एंट्री शुरू हो चुकी है। यहाँ पे हाथ यहाँ नोजल के नीचे रखें, नोजल तो काम ही नहीं कर रहा है इनका, काम नहीं कर रहा है इनका नोजल। ये बहुत ही अच्छा मंदिर बन रहा है भाई। ये गुफा प्रवेश माँ वैष्णो देवी मंदिर का, ठीक है ना। आ चुके हैं हम, तो किस तरीके का नज़ारा। ये एंट्री चेकिंग वगैरह भी होती है दोस्तों, और मेरे पार्टनर कहाँ रह गए, साई वगैरह सब। ये इधर मंदिर का रास्ता हो गया, ऊपर सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। जय हो माता वैष्णो देवी की। कितना अच्छा बन रहा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया नज़ारा। गाइस देखो क्या गजब का नज़ारा है, गुफा उफा बना रखी है, और ये माता रानी, इन्होंने बना रखा है ऐसे कुछ इस तरीके का। भात नोतना आए थे, सोचा घूम ही ले, बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे था घर के यमुना जी, तो क्यों ना 100 मीटर की दूरी पे है तो मंदिर घूम लिया जाए, दर्शन कर लिया जाए, बहुत ही बढ़िया। ये अंदर का है कुछ, कृपया तस्वीरों के हाथ ना लगाएं लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसा है कुछ। ये अंदर से कितना अच्छा बना हुआ है, ऊपर मंदिर है गुफा के, बहुत ही बढ़िया। बढ़िया नज़ारा है, ऊपर भी तस्वीरें लगी हुई हैं, चारों तरफ अच्छे से लगी हुई है, सारी चीज़ें अच्छे से समझाई हुई है। नीचे गुफा हो गई, ऊपर हो गई मूर्ति, बहुत ही अच्छे से इन्होंने सेटलमेंट किया हुआ है। आने का रास्ता अलग है, जाने का अलग है। इधर से एंट्री, नो एंट्री इधर ही है। ये गंगा जी कृपया सिक्के और फूल गंगा जी में न डालें। ये इसमें दिखा रखा है इन्होंने कैसे कैसे बनाया था, कैसे कैसे इन्होंने स्टेज बनाया, क्या क्या सजाया, सारा इसमें दिखा रखा है इन्होंने, शुरू से आखिर तक का कैसे बनाया गया है मंदिर, कंस्ट्रक्शन ऑफ माता वैष्णो देवी।
अब इस गुफा में एंट्री करेंगे हम लोग। अब देखते हैं कैसी है अंदर से गुफा। अरे वाह, जय हो माता रानी, बहुत ही बढ़िया। देखो गुफा के अंदर भी मंदिर बने हुए हैं दोस्तों। ये गणेश जी भगवान हमारे, इतने अच्छे से वर्क किया हुआ है इन्होंने, मजा आ गया, अच्छे दर्शन हो गए हमारे। इन्होंने ऊपर से भी थोड़ा सा वैसे किया हुआ है और बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है। ये मेरे साथ हमारी ताई जी गुफा के अंदर से होते हुए बिल्कुल माता के चरणों में आ गए भाई हम तो। जय हो माता रानी, जय हो हनुमान जी, चरण पादुक। पास में इस तरीके से इधर भी वर्क चल रहा है कंस्ट्रक्शन का कुछ। ये सारा मंदिर का एरिया है इधर, ये मंदिर का बैक एरिया, बहुत ही बढ़िया। कितने माता रानी के चरण पादुक, ये माता रानी हमारी। अब गुफा से जाने का बाहर रास्ता, पहले माता रानी के दर्शन करो फिर गुफा के दूसरे रास्ते से निकल जाओ बाहर। माँ गौरी माता, और इन्होंने आरती भी लिखी हुई है, आरती नहीं इन्होंने लिखा हुआ है कि माता रानी के बारे में। ये सिद्धात्री श्री भैरव जी, ये एक्सिट इधर से, ये इधर से बाहर निकल गए। बाहर जाने का रास्ता कितना अच्छे से वर्क किया हुआ है इन्होंने, और ये प्रसाद भी दे रहे हैं भैया। अरे वाह, चलो बढ़िया। बोलो माता रानी की जय। तो गाइज यहाँ बात का प्रोग्राम करना आए थे, यहाँ गेट कवर है, इनका दूसरा मकान है गाइज, देख लो दोस्तों। अब यहाँ इधर नया बना रहे हैं, वहाँ पे मकान था ही इनका। अब हम चलते हैं, फाइनली इनका प्रोग्राम ख़त्म हो गया मेरे हिसाब से।